राजनांदगांव जिला इन दिनों क्राइम का गढ़ बनता दिखाई दे रहा है, जहां लगातार हत्या और आत्महत्या की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं अब इसे लेकर राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है, जहां जोगी कांग्रेस ने कल राजनांदगांव CSP को ज्ञापन सौंपकर आए दिन हो रही चाकूबाजी की घटना पर सकारात्मक पहल करने की मांग की। वहीं फिर आज सुबह राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के रेलवे कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती का शव झाड़ से लटका मिलने पर शहर में सनसनी फैल गई है। सूत्रों की माने तो दुर्ग निवासी 25 वर्षीय युवती के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है, परंतु मीडिया के सामने पुलिस कुछ भी खुलासा करने से बचती नजर आ रही है। अब इस लगातार जिले में बढ़ रहे अपराध का असर ही माने कि पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में तो नाकामयाब दिखाई दे रही है, उल्टा मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देने से भी बचती नजर आ रही है। जांच अधिकारी मामला विवेचना में बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा लगातार इन दोनों हो रहे क्राइम पर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक कदम उठाते हुए रोक लगाई जाती है, या फिर जिले की जनता ऐसे ही भययुक्त वातावरण में रहने को विवश रहेगी। जरिए टेलीफोन से सूचना मिला कि रेलवे कॉलोनी जेट हाउस के पास में एक अज्ञात लड़की, जिसको उम्र 25-26 साल की है, जाम पेड़ में अपने स्कार्फ से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसकी जांच अभी जारी है। आपका नाम?